When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency mu, the stopping potential is minus V0/2. When the surface is illuminated, पहला तो stopping potential negative नहीं होता है, तो चलो यहाँ पे इसको plus कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये printing mistake. When the surface is illuminated by monochromatic light of wavelength frequency mu by 2, the stopping potential is V0. ठीक है, तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बढ़ना चाहिए था. ठीक है, आप देखो फ्रीक्वेंसी जब इतना था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ ऑफ वी नॉट है, और जब फ्रीक्वेंसी आप आधा कर दिए हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो गई है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ाओगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा मैग्नीट्यूड में. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कम चाहिए हो रहा है, तो यानी ऑफकोर्स से क्वेश्चन गलत है. इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए या नॉट पॉसिबल होना चाहिए ये चीज़. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको बना देते हैं आँख मुन के वैसे करके, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस के थ्रू, तो वो भी मैं दिखाता हूँ उसमें गलती कहाँ होती है. बस एग्जाम में क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये चार ऑप्शन है तो कुछ भी मार तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोनस होने वाला है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस होता या नॉट पॉसिबल रहता तो वो करेक्ट होता. तो आपका जब फ्रीक्वेंसी इतना है तो आपको हमेशा वही क्वेश्चन यूज़ करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, हम लोग येलो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, यही बेसिक क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना फर्स्ट केस में, वर्क फंक्शन तो हमेशा वही रहेगा E इंटू फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/2. ठीक है, ये फर्स्ट केस में. सेकंड केस में आप ये हो गया, सेकंड केस में ये और सेकंड केस में ये. ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यानी वर्क फंक्शन पहले निकाल लेते, उससे तो आ जाएगा. ठीक है, अब इसी इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाले, ठीक है, वर्क फंक्शन है V0 का वैल्यू निकाले क्योंकि हमें वर्क फंक्शन चाहिए. तो दिस इंटू टू विल बी इक्वल टू EV0 फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इक्वल टू EV0. ठीक है, हमें V0 तो नहीं पूछा है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए. ठीक है, ये दोनों इक्वल है, एक ही बात है. तो 2hν-2φ इक्वल टू hν/2-φ, तो ये आपका हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू 3hν/2 विच कैन बी रिटन एच इंटू 3ν/2. ठीक है, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एच 3ν/2, तो यहाँ से आपको लगेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3ν/2. ठीक है, और 3ν/2 भी एक ऑप्शन है, तो आप डी मार्क कर दोगे, लेकिन गलत है वो. ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें तो कहीं गलती नहीं की, ऑफकोर्स इस पूरे प्रोसेस में कहीं गलती नहीं की हम लोग, है ना, लेकिन एक काम करते हैं, जो रिजल्ट आया है क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं. अब देखो जब हम लोग इक्वेशन लिखे थे वैसे इस इक्वेशन में वैसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि ये सब चीज़ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. ठीक है, ये इस इक्वेशन में भी एनर्जी फोटोन ही पॉजिटिव रहेगा, वर्क फंक्शन ही पॉजिटिव रहेगा, और आपका ई टाइम्स वी नॉट यानी के ई मैक्स भी पॉजिटिव रहेगा, सब ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव. ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो इन दोनों में से, सपोज इसको ले रहा हूँ मैं. ठीक है, सपोज तो इधर तो ये तो पॉजिटिव होगा, वर्क फंक्शन को वैसे रहने दो, या वर्क फंक्शन का वैल्यू ये लिख देते, सॉरी वर्क फंक्शन क्या होता है, एच टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एच टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं 3V/2 प्लस ये, याद रखना ये के ई मैक्स ही है. ठीक है ना, के ई मैक्स. तो अब देखो इस इक्वेशन को अच्छे से, आपका के ई मैक्स नेगेटिव आ जाएगा. के ई मैक्स क्या है, नेगेटिव, विच इज इम्पॉसिबल. ठीक है, यही चीज़ अब इसमें ही पुट करो, फिर से के ई मैक्स नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है ना, तो जब ये इक्वेशन लिखे हैं हम लोग तो इक्वेशन में हर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है. और ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है वो उस चीज़ को वायलेट कर रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल ही होना चाहिए.